स्वतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों। अब देखो, राजी एंड एंशिएंट एपिक के बाद मुंबई गलीज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है हमारा इंडिया, आगे बढ़ रहा है हमारा इंडिया। और इसके अलावा आज के दिन यानी 26 जनवरी को एक फौजी नाम का इंडियन गेम भी रिलीज होने वाला है। हालांकि इन बड़े बड़े वीडियो गेम्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, पर लेकिन एक वीडियो गेम ऐसा भी है जिसे एक बहुत छोटी सी टीम बना रही है, पर लेकिन उनके अरमान काफी ज्यादा बड़े हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी गेम के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम उतना ही अजीब है जितना ये गेम अपने आप में अलग है। अबे चुप, द एडवेंचर्स ऑफ बेबी। सुनने में तो ये नाम काफी अजीब लगता है, पर लेकिन ये इंडियन गेम कुछ स्पेशल है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अबे चुप के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में सुनकर आपके देख लो वीडियो। सो इंट्रो हो गया होगा, तो चलो फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, इस गेम का नाम अबे चुप क्यों है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस गेम का फुल नेम है अबे चुप द एडवेंचर्स ऑफ बेबी। अभी देखो, एडवेंचर्स ऑफ बेबी से तो हमें समझ में आता है कि ये जो गेम है पजल, मिस्ट्री और स्टोरी के अलावा कुछ एडवेंचर भी होगा। और यहाँ पर ये बेबी यानी भारतीय अभाषिक पर्यटन योजना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने करेक्टर को इंडिया की अलग अलग लोकेशन के अंदर घुमाती है, और शायद इस गेम की स्टोरी भी उसी के अराउंड घूमेगी। पर लेकिन इस गेम के नाम में अबे चुप क्यों है, ये जानने के लिए तो आपको इस गेम का गेम प्ले देखना पड़ेगा, क्योंकि इस गेम के गेम प्ले को देखकर हमें पता चलता है कि इस गेम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन होता है जहां पर एक लड़की की आवाज अपने मेन करेक्टर को लगातार परेशान कर रही होती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। तभी हमारा करेक्टर उससे परेशान होकर बोलता है अबे चुप। सो ये जो सीन था वो इस गेम के गेम डेमो में था। अब इस छोटी सी चीज से हमें समझ में आ जाता है कि इस गेम का नाम अबे चुप क्यों है। पर लेकिन जैसा कि इस गेम के डेवलपर ने अपनी लाइव स्ट्रीम से बताया कि इस गेम के अंदर आपको स्टोरी के अलावा बहुत सारी फिलॉसफी भी मिलने वाली है, तो शायद इस गेम का ये जो नेम है अबे चुप, इसका कुछ फिलॉसफिकल मतलब भी हो सकता है, जैसे कि शांति, फ्रेंडलीनेस, गुस्सा। लेट्स सी कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है इस गेम में। द स्टोरी। अब इससे पहले मैं आपको इस गेम की स्टोरी बताऊं तो ये तो बताना बनता है कि ये जो गेम है फुली हिंदी लैंग्वेज में बन रहा है, यानी इस गेम की कट सीन्स, इस गेम की पूरी स्टोरी आपको अपनी लैंग्वेज हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ इंडियन ऑडियंस के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस गेम की स्टोरी उतनी अजीब है जितना इस गेम का नाम। सो बेसिकली इस गेम की जो स्टोरी है उसके अंदर एक पुसर्ज नाम का कैरेक्टर अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाता है अंधेरे के अंदर। उसको पता भी नहीं होता है कि उसका पास क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और इस अजीब सी जगह से वो निकलने की कोशिश करता है। पर लेकिन पहले ही कमरे से निकलते वक्त उसे एक ऐसी अजीब सी लड़की की आवाज आने लगती है जो उस आदमी का दिमाग खराब कर देती है। अब बात यह है कि आखिर ये औरत जिसकी आवाज उसे सुनाई दी है ये है कौन, और ये भारतीय आभासिक पर्यटन योजना क्या है, और उसको इससे भागना कैसे है। पर लेकिन जैसे इस गेम के डेवलपर्स ने स्टोरी को अभी तक रिप्रेजेंट करा है, आई होप उसी को इम्प्रूवमेंट्स के साथ आगे भी डेवलपर्स करते रहे ताकि हमें एक ऐसा गेम देखने को मिले जिसके अंदर एक ज़बरदस्त स्टोरी हो, और वो भी अपने इंडिया से। पर लेकिन अच्छी बात यह है कि डेवलपर्स ने यह भी बताया कि इस गेम की स्टोरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने वाली है। अगर आप लोगों ने असुर जैसी वेब सीरीज या फिर अत्यासन जैसी मूवीज देखी होंगी तो आप लोग जानते होंगे कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर होता क्या है, और इस गेम में तो शायद वो अजीब सी लड़की जिसकी आवाज हमें थ्रू आउट द गेम देखने को सुनने को मिलती है, तो शायद वही लड़की इस गेम की साइकोटिक करेक्टर होगी। और क्योंकि ये करेक्टर काफी ज्यादा साइकोटिक है तो आई कैन प्रेडिक्ट दैट ये जो करेक्टर है अपनी स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताएगी अपने पुसर्श को जो काफी ज्यादा साइकोटिक होंगी या फिर उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगी, और ऐसी चीजें जो बताती हैं हमारी सोसाइटी के बिहेवियर वगैरह के बारे में एक्सेट्रा, क्योंकि जनरली साइकोटिक मूवीज ऐसा ही करती हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि थानोस दुनिया के लिए अच्छा ही करना चाहता था पर लेकिन मात्र उसका तरीका गलत था। पर लेकिन इस गेम के अंदर तो एक ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली औरत ही एक साइकोटिक करेक्टर है, तो देखते हैं इस गेम के अंदर आखिर होता क्या है। सो आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। द गन।
इस गेम के अंदर एक ऐसी गन है जिसका नाम है बैलेस्ट लॉन्चर। ये गन काफी ज्यादा अजीब सी गन है जो लिटरली कुछ अजीब अजीब सी बॉल शूट करती है दीवार पे, जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लगती है, पर लेकिन उनका काम भी एनिमीज को मारना नहीं बल्कि बॉक्सेस को हिलाना और पजल्स को सॉल्व करना या फिर लॉक्स को तोड़ना है। हालांकि गेम डेवलपर्स की ये अप्रोच चाहे कैसे भी हो, कितनी भी अजीब हो, पर लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि पजल्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था पोर्टल 2 और हाफ लाइफ जैसे गेम्स में। हाउएवर फन फैक्ट ये नहीं पर लेकिन ये है कि गेम डेवलपर्स को इस गन का मैकेनिक बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली हुआ क्या कि जब इस गेम के डेवलपर इस गेम का आइडिया सोच रहे थे तो उन्होंने रैंडमली अनरियल इंजन को चलाया और उसके अंदर एक बेसिक डिफॉल्ट गन को चलाना शुरू करा और वहीं से उनको इस गेम का पूरा आइडिया आया, जैसा कि उन्होंने अपने इस गेम के एक गेम डेवलपमेंट वीडियो के अंदर बताया है। अब देखो, इस गन का मैकेनिक बनाने के लिए डेवलपर्स को चाहे मेहनत लगी हो या ना हो, पर लेकिन ये जो मैकेनिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करा है डेवलपर्स ने अपने गेम के थ्रू। पर जैसा कि डेवलपर्स ने बोला है कि वो इस गन के पूरे कोडिंग को दोबारा से रीमेक करने वाले हैं, तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट कितना बेहतर आता है। हाउएवर ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस गन के मैकेनिक को आज तक किसी भी अनरियल इंजन डेवलपर ने कभी भी यूज नहीं करा, उसी गन को इन्होंने अपनी गेम का एक इम्पोर्टेंट मैकेनिक बना दिया। और आई होप इस गन के अंदर आगे चलकर और भी पावर्स एड हो, ये मेरी इस गेम के डेवलपर से गुजारिश है। फैक्ट नंबर 4, दिस गेम इज नॉट अ गेम बट अ मूवी। इस गेम के गेम डेवलपर मूवीज के काफी बड़े शौकीन हैं, पर लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्स को खोया है अपने बॉलीवुड से, ऐसे लोग जो मास्टरपीस मूवीज पे वर्क करते थे और वो बॉलीवुड में अपने नेपोटिज्म से नहीं बल्कि अपने खुद के टैलेंट से आए थे। अब देखो, जैसा कि यहाँ पर अभय चुप के गेम डेवलपर्स ने बताया कि इस गेम के लिए वो पूरी तरह से एक सिनेमैटिक और स्टोरी वाली अप्रोच ले रहे हैं, उसके लिए स्टोरी बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो चीज हमने शायद इस गेम के गेम डेमो के अंदर देखी भी। मुझे लगता है कि शायद इस गेम के डेवलपर्स का कहना यह है, जैसा कि बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरी हुई बकवास मूवीज लाता रहता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद इंडियन मूवीज की क्वालिटी कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और यहाँ पर अपने गेम डेवलपर्स शायद ये कहना चाहते हैं कि वो अपने गेम के थ्रू कोई ऐसी स्टोरी दिखाना चाहते हैं इस ऑडियंस को जो शायद जन्म दे वीडियो गेम्स के अंदर भी इस टाइप की मूवी मेकिंग अप्रोच को, जिससे आपको गेम के अंदर गेम से ज्यादा एक मूवी वाला फील आए और आप उसकी स्टोरी में बस खो जाओ जैसे कि आप वहीं पर हो। तो चलो देखते हैं कि क्या इस गेम की स्टोरी बॉलीवुड को टक्कर दे पाती है, वेब सीरीज को, इंडियन वेब सीरीज को टक्कर दे पाती है, क्योंकि इंडियन वेब सीरीज भी आजकल काफी अच्छा काम कर रही है, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम और असुर। इस वीडियो गेम का बजट, जब हमने इस गेम के डेमो का एंड होते हुए देखा तो हमें एक सीन दिखता है जहां पर लिख के आता है दिस डेमो वॉज डेवलप्ड अंडर 11,000 रुपीज, जो हमें क्लियरली बताता है कि ये जो गेम है एक बहुत ही ज्यादा स्कैर्स कंडीशन के अंदर, बहुत ही लो बजट के अंदर डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि GTA 5 को बनाने में करीबन 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वो तो बहुत ही बड़ा गेम हो गया, पर लेकिन राजी को भी बनाने में, राजी का सिर्फ डेमो डेवलप करने में ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए खर्च हुए थे जहां तक सुनने को मिला है। और शायद इसी वजह से इस गेम के डेवलपर्स ने मिलाप नाम की एक पॉपुलर डोनेशन वेबसाइट पे अपने गेम की डोनेशंस के लिए एक पोर्टल बनाया जहां से लोग जाकर इनके गेम को कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं और शायद उनको इसके बदले में बहुत सारा प्यार डेवलपर से और उसके अलावा गेम में क्रेडिट्स मिलेंगे। ये अप्रोच तो मुझे काफी अच्छी लगी इन गेम डेवलपर्स की, मैं भी इन्हें जाकर जरूर डोनेट करना चाहूंगा क्योंकि ये गेम मुझे भी अच्छा लगा। फैक्ट नंबर 7, टीम। जब हम लोग इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस गेम के अंदर एक नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 10 लोग काम कर रहे हैं। हाउएवर मुझे ये भी पता चला है कि इस गेम के सारे डेवलपर्स लगातार काम नहीं करते पर लेकिन पार्ट टाइम में काम करते हैं। और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि इस गेम के डेवलपर जिन्होंने इस गेम का डेमो बनाया है उनकी एज 18 साल से भी कम है। हालांकि हमें यहाँ पर इन गेम डेवलपर्स के काम को इनकी एज से जांचना नहीं चाहिए क्योंकि इनका गेम प्ले तो काफी ज्यादा ओके था इनकी स्टोरी के साथ साथ, पर लेकिन बच्चे हों या बड़े, जिन गेम्स के अंदर सच में खराबी होती है वो तो हमें काफी पहले ही दिख जाती है। फैक्ट नंबर 8, वॉइस एक्ट्रेस। जब इस गेम के डेमो का एंड होता है तो हमें दिख ही जाता है कि इस गेम के वॉइस एक्टर्स ने काफी अच्छा काम करा है, स्पेशली इस गेम की वॉइस एक्ट्रेस ने जिसका नाम है देवांशी। हाउएवर द फन फैक्ट हियर इज
कि इस वॉइस एक्ट्रेस से पहले, इस लड़की से पहले, अपने जो गेम के मेन डेवलपर है जिन्होंने पुसर्श की आवाज़ दी है, वो खुद ही इस लड़की की आवाज़ करने वाले थे। पर लेकिन वो प्लान उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो एक्चुअली उनका गला भी खराब हो जाता और आवाज़ भी। हाउएवर, ये जो स्वीट वॉइस हमें गेम के एंड में देखने को मिलती है, वो वॉइस एक्ट्रेस एक्चुअली इस गेम डेवलपमेंट टीम के ही एक मेंबर की सिस्टर निकली। However, the developers got the right person here. Fact number 9, Indian mythology. अभी देखो, जैसा कि हमें गेम को देखने से पता चलता है कि ये जो गेम है अभी आसपास के जमाने में सेट है, पर लेकिन क्योंकि इस गेम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल साइकोटिक करेक्टर है उस लड़की की आवाज़ वाला, और वही साइकोटिक करेक्टर काफ़ी ज़्यादा मिथोलॉजिकल भी है, बोले तो वो लड़की हमेशा दीवारों पर कुछ खून से बहुत ही अजीब अजीब मिथोलॉजिकल भाषा में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो एक्चुअली हमें गेम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ मैसेजेस सिखाने की कोशिश करती हैं, और शायद इस गेम के थ्रू आउट हमें ऐसी ही मिथोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अपने इस गेम की स्टोरी को जाकर इंडियन माइथोलॉजी और सोसाइटी से जाकर जोड़ेंगी, जिससे हमें शायद कुछ स्पेशल लेसन सीखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या सिखाते हैं इस गेम के गेम डेवलपर्स हमें। फैक्ट नंबर 10, बिहाइंड द सीन्स। एक्चुअली इस गेम को डेवलप होकर रिलीज होने में अभी पूरा साल है, ये 2021 के एंड तक कंप्लीट होगा जैसा कि इस गेम के डेवलपर्स ने बोला है, पर लेकिन थ्रू आउट द ईयर गेम के डेवलपर्स गेम के अंदर जितना भी प्रोग्रेस होगा उस पे एक वीडियो बनाकर, यानी एक मेकिंग वीडियो बनाकर अपने चैनल्स पे डालते रहेंगे। एंड आई होप ये जो डेवलपमेंट सीरीज ये डेवलपर्स बनाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और हमारी इंडियन ऑडियंस को कुछ नया सिखाए। और खास बात यह है कि इस गेम के डेवलपर ने एक्चुअली एक वीडियो डाला भी था अपने चैनल पे, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गेम का आइडिया आखिर सोचा कैसे। और क्योंकि इस गेम के लीड डेवलपर इससे पहले करीबन 20 वीडियो गेम्स पे काम कर चुके हैं, तो शायद उनको इतना एक्सपीरियंस होगा कि आखिर अपनी ऑडियंस के सामने क्या चीज रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं वो क्या करते हैं, आई होप कुछ अच्छा करके दिखाएं। आई होप ये जो प्रोजेक्ट है कुछ अच्छी इनसाइट दे हमारे इंडियन ऑडियंस को और कुछ ऐसा गेम दिखाए जो शायद हमने कभी भी नहीं देखा है। तो गाइज, अब हो जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस फैक्ट, एंड द बोनस फैक्ट इज ओके I wasn't supposed to show my face here, पर लेकिन हाँ guys, this is the developer of अभी चुप एडवेंचर्स ऑफ बेबी, मतलब मैं खुद ही हूँ और मैं खुद ही उस पर फैक्ट्स वाला वीडियो बना रहा हूँ। That's funny, पर लेकिन yeah, that's it what it is. अब देखो क्या है कि actually अपने बहुत सारे games अभी आ रहे हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली फौजी जैसे गेम्स, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब देखो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनको तो अपनी हाइप मिल जाती है जैसे तैसे, बट हमारे जैसे छोटे गेम डेवलपर्स इन छोटे प्रोजेक्ट्स को, एंड स्पेशली यार मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, कि तो हमें यार उतनी लेवल की हाइप नहीं मिली और हमें हमारे ऑडियंस को, हमारे इंडियन ऑडियंस को इस गेम के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम पता है, लोग नहीं जानते हमारे गेम के बारे में। और आई थिंक इसलिए भी क्योंकि हमारा गेम का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, हमारा गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, हमारा गेम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टोरी गेम है। हाउएवर बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार यू शुड मेक एन ओपन वर्ल्ड गेम या फिर पबजी जैसा बैटल रॉयल गेम बनाओ। ब्रो, इट्स बुलशिट। इंडिया doesn't need to make its own PUBG, GTA, etc. इंडिया को अगर कुछ बनाना है ना, तो इंडिया को एक खुद का गेम बनाना चाहिए। और ब्रो राजी ऐसे प्रोजेक्ट यही बताते हैं हमें काइंड ऑफ, कि हम लोग जब तक अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, हम लोग कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, अगर हम लोग सिर्फ बाहर वाले मार्केट को कॉपी करते रहेंगे तो यार कैसे चलेगा। यस, हम लोग फॉरेन गेम्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर लेकिन लेट्स से मुंबई गली से गेम रिलीज हो रहा है तो लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं उसको GTA गेम से। ब्रो, इंडिया इज मेकिंग समथिंग एल्स। अगर तुम लोग किसी भी गेम को किसी बड़े गेम से कंपेयर कर लोगे तो वो लोग को ना खुद की क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, वो लोग वो नहीं बना पाएंगे जो वो बनाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, एक स्पेशल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट भी है, हम लोग कुछ अलग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा गेम जो अभी तक किसी और ने नहीं बनाया है और जनरली कम बनाते हैं लोग, स्पेशली अपने इंडिया में।
ये स्पेशल स्टोरी कन्वे करने के लिए हम लोगों को आपका भारी मात्रा पे सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट आप लोग दे सकते हो अपने गेम के बारे में लोगों को बता के, वीडियोस बना के। यू कैन यूज़ हैशटैग अभिचुप गेम, जिसको आप जाकर दूसरों के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, स्पैम सेविंग। और उसके अलावा आप हमारे गेम प्रोजेक्ट को डोनेट भी कर सकते हो, डोनेशन लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मिलाप किए हैं। बट यस, दिस इज हाउ यू गाइस कैन सपोर्ट अवर गेम। बट हमारे गेम के साथ साथ जो भी गेम इंडिया में बन रहे हैं ना, उनको एक फ्रीडम दो एक खुद का गेम बनाने की। कहीं परेशान मत हो कि इंडिया खुद का GTA क्यों नहीं बना रहा है। इंडिया खुद का कोई भी गेम बना रहा है ना, तो वो अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, एंड उस पर पूरा भरोसा रखो। एंड दैट्स वाई मेरी तरफ से सारे इंडियन गेम डेवलपर्स को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड सारे गेमर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप यू गाइस सपोर्ट एवरी इंडियन गेम। एंड मैं इंडिया इंडिया के नाम पे व्यूज़ नहीं छाप रहा हूँ, एक्चुअली छाप रहा हूँ।